क्लैट पीजी एग्जाम के लिए ये अंडरस्टैंड करना कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है, कब उसको नहीं पढ़ना है, कौन से कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है पैराग्राफ में, किसका नहीं दिया है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किन तरीके से क्लैट आपका टाइम बर्बाद करेगा ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको क्लैट पीजी का पेपर अटेम्प्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको किस चीज़ का डाउट है कि सर मैं पेपर्स तो लगा रहा हूँ और मेरे मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे या मैं मार्क्स स्टैग्नेटेड है तो मैं कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाऊँ, या फिर जनरली आपको यही समझना है कि कैसे सर मैं अपने क्लैट पीजी के पेपर को अटेम्प्ट करूँ और कैसे मैं अपनी पढ़ाई में इस चीज़ को इनकलकेट करूँ, इस बारे में मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड देने जा रहा हूँ कि आपको 120 मिनट्स में कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में नहीं एनरोल करा तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग आपको 130 वीडियो लेक्चर्स के साथ जो इंपॉर्टेंट केसेस के 22 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आउट देयर, इसमें अभी बहुत लोगों ने एनरोल कर लिया, अगर आपको भी उनका साथ लेना है, मेरे साथ आना है, आपको इस पेपर को अच्छे से करना है, आप कर सकते हो फॉर द लास्ट 20 डेज, ये बेस्ट है आपके लिए कि आप क्या कर सकते हो। अकॉर्डिंगली बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि आपके सामने जैसे ही आपका पेपर आया आपको क्या करना है। नंबर वन, आपके सामने होगी, देखिए एक बात मैं समझा दूँ आपको, आपके सामने होगी आपकी एक रफ शीट, उस रफ शीट का पूरा इस्तेमाल करिएगा, पेपर को ओपन करिएगा, जाइएगा सबसे पहले जितने भी आपके पैराग्राफ है ना उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करिएगा। कैटेगरी नंबर वन, वो आपके पैराग्राफ जिसमें कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, केस लॉ पढ़ा है और आपको 100% पता है कि आप ये अच्छे से कर लोगे। दूसरा, वो पैराग्राफ जहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि यार ये पैराग्राफ के अंदर मैंने शायद उतना अच्छे से नहीं पढ़ा सब्जेक्ट को या केस लॉ मुझे उतने अच्छे से नहीं आते। और तीसरा, वो पैराग्राफ जहाँ पे आपने बिल्कुल सब्जेक्ट या तो नहीं पढ़ा या फिर केस लॉ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ा है बट आप आंसर करने की स्थिति में नहीं हो। सबको उठा के नोट करो और सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू उन क्वेश्चंस को करो जो कि आपके जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि मुझे 100% ये आता है, मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है, मैंने ये केस पढ़ा है, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। और जैसे ही आप पैराग्राफ को खोलते हो, जैसे ही आप देखना शुरू करते हो, एक काम करना, नंबर वन पैराग्राफ को मत पढ़ना, बिकॉज ये वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि कंसोर्शियम आपसे चाहते हैं कि आप ये गलती करो। आप ये गलती करो कि आप पैराग्राफ को पढ़ो और अपना टाइम बर्बाद करो। आपको इंस्टेंट पता है क्या करना है, आपको सीधे जाना है क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चंस के अंदर जाके आपको पहले कीवर्ड्स पकड़ने हैं, वो कीवर्ड्स पकड़ने हैं जो कि आपको कहते हैं कि भाई जाओ और पैराग्राफ को अटेम्प्ट करो। अब आते हैं, देखते हैं कीवर्ड होते हैं कौन कौन से। नंबर वन, टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कीवर्ड समझने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका सीआरपीसी का है इन द पेपर ऑफ 2021 और जो कि सीआरपीसी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट्स था, इसलिए मैं उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिए इस चीज़ को। नंबर वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जो आपका कीवर्ड है ना ये आपको बताता है कि ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है तो मतलब ये है कि इसका जो आंसर है आपको देना है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ने यहाँ पे क्या रेशियो दिया था, रेशियो को पढ़ो, दिमाग के अंदर आ रहा है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये केस रेप से जुड़ा है, रेप से जुड़ा है, रेप से जुड़ा है और ये केस के अंदर बेल की बात करी है, सीधे सीधे आंसर इन्वोकेशन हो गया। इसके अंदर ज़्यादा सोचने का, दिमाग का लगाने का टाइम नहीं है। केस अगर आप पैराग्राफ को ही पढ़ोगे उसमें से भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाली, आपको सीधे सीधे समझना है कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, केस को पढ़ा आंसर करो, नहीं आता है नहीं का इसके अच्छे से पढ़ा है तो अकॉर्डिंगली ये करो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, कोशिश ये करो शायद ये जो आपकी साइटेशन दिए ना उसमें से कुछ आपको हिंट मिल जाए कि मतलब 2020 लिखा है। तो जनरली होता क्या है कि जो आपके केसेस होते हैं जो कि जनरली आंसर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर, उसमें क्लैट क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूँ कि या तो अगर मान लो 2022 में पेपर हो रहा है तो आंसर आपका 2021 का या 2020 का केस होगा, तो उस वजह से भी आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो। बट इस ट्रिक का तभी यूज करना जब बिल्कुल कोई ऑप्शन ना बचाओ, तभी करना वरना ऐसे मत कर लेना। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो आपका कीवर्ड है ना ये आपको सजेस्ट करता है आपके बेसिकली एक थ्री स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे आपको समझना है कि आपको पैराग्राफ को पकड़ना है। और उस थ्री स्टेप प्रोसेस का पहला स्टेप है, अगर आपको ये वाला कीवर्ड दिखाई देगा या फिर इससे जुड़े हुए जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको इस चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं कि या तो कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है या कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये कीवर्ड्स एक्टिवेट होना है। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा क्या लिखा है, इज ट्रू या फिर इज नॉट ट्रू। इससे पता है आपको क्या पता चलता है, अगर वर्ड यूज करा है करेक्ट, इज ट्रू इज नॉट ट्रू, तो आप यहां पर जैसे इज ट्रू की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर तीन स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे गलत होंगे और एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि करेक्ट होगा, बेसिक सा लॉजिक है। तो अकॉर्डिंगली आप पहली बात आपने ये समझ लिया
कि तीन क्वेश्चन सही होंगे, एक आपका सही मतलब तीन गलत होंगे एक सही होगा। इसके बाद आप देखो सब्जेक्ट मैटर, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी, ये आपका सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर को अपने दिमाग में ग्रहण करो और उसके हिसाब से सोचना शुरू करो। 439 की पूरी बेल एक्ट आपके दिमाग में इस वक्त आनी चाहिए, स्मृति में जैसे ही आई आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू करा, लंबे लंबे स्टेटमेंट से पढ़ना शुरू करो। हाई कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल टू बी अरेस्टेड, यार ये स्टेटमेंट तो सही है ऑब्वियसली, मतलब प्रेमिस सही, लेकिन अभी आपको श्योर होना है, मे बी उस तक कुछ ट्रिक फंसी हो। दूसरा पढ़ते हैं, हाई कोर्ट मे अंडरटेक मेटिकुलस एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस कलेक्टेड बाय द पुलिस। अब यार सोचो एक बात बताओ, 439 है, 439 के अंदर केवल बेल देनी है नहीं देनी, रिजेक्ट होनी है क्या होनी, उसकी बात होती है, ये मेटिकुलस एग्जामिनेशन का पॉइंट कहाँ से होगा, फिशी साउंड कर रहा है। इस टाइम पर इस चीज़ पर जब आप लॉजिकली एग्जामिन कर रहे हो स्टेटमेंट्स को, जो आपके ऑप्शन दिए, अब आपको पढ़ना है पैराग्राफ को। अब आइए पैराग्राफ में देखिए कि भाई यहाँ पे कोर्ट ने बोला क्या। यह केस था आपका संगीता बेन शैलेश दत्तांता का, यहाँ पे हुआ क्या था, यह था कि एग्जामिन कर रहे थे क्वेश्चन को, आफ्टर ग्रांट ऑफ बेल टू द अक्यूज ऑर्डर कर दिया अक्यूज को कि जाओ भाई साइंटिफिक टेस्ट करा लो। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा कि भाई देखो तुम बकवास कर रहे हो यहाँ पे। कोर्ट ने उठा के सीधे जजमेंट को कहा ओवरऑल्ड, ये गलत है, अफेंडिंग का ओवरऑल करा, फिर स्टेटमेंट देना शुरू करे, पूरा फिलॉसफी बताई कि क्या होना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, यहाँ पे कोर्ट ने जो काम करा वो गलत है। इसके बाद कोर्ट ने बता रखा है कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे चीज़ें करनी है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स उसको ध्यान में दोगे तो देखो, कोर्ट मस्ट नॉट टेक अ मेटिकुलस एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस कलेक्टेड बाय द पुलिस, समझ गए, कोर्ट मस्ट नॉट डू इट, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, मे अंडरटेक, गलत हो गया, काम खत्म। दूसरा, कोर्ट मे डायरेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट सच एज नार्को एनालिसिस टू बी कंडक्टेड, अब यार ये पढ़ लो, मे नॉट कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन रादर और स्पेसिफिक टेस्ट एज डन इन द प्रेजेंट केस। यहाँ पे देखो नार्को टेस्ट के लिए बोल रखा था, लाइन डिटेक्टर के लिए बोल रखा था, ये भी नहीं कर सकता सीधा सीधा, ये भी देखो स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तीसरे पे आ जाओ, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपका जुड़ा हुआ नहीं है पैराग्राफ से, बिकॉज यहाँ लिखा है मे पास एनी ऑर्डर एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर कब आती है, 482 में आती है, 226 में आती है, इसमें नहीं आती है। तो ऑब्वियसली बात है जब बेल की बात हो रही है, बेल होगा नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा उससे जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए, यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है। ये हो गया आपका तरीका इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिर आया इज नॉट ट्रू, मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट रिगार्डिंग 439 ओसीआरपीसी, दिमाग में ले आओ बेयर एक्ट को, शुरू हो जाओ। देखो, हाई कोर्ट मे डायरेक्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस बी कस्टिमेटेड कस्टडी, हाँ भाई कर सकता है। फिर हाई कोर्ट मे डायरेक्ट कंडीशंस इंपोज बाय मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग अ पर्सन ऑन बेल टू बी सेट असाइड या मॉडिफाइड, मजिस्ट्रेट ने कंडीशन लगाई सेट असाइड या मॉडिफाई करेगा, हाँ कर सकता है कोर्ट। अब आगे देखो, मे पास एनी ऑर्डर विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट कुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पर्सन लिबर्टी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। अब यार एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है, आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा इस क्वेश्चन भी देखा, जब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात आती है, जब पर्सनल लिबर्टी की बात आती है, उस केस में कोर्ट इस तरीके के काम नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आप ऊपर वाले पैराग्राफ में जाओगे ना, कन्फ्यूजन अगर मच रहा है, इसके अंदर आप पूरा एक जिस्ट लोगे पैराग्राफ को, आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि इस तरीके का जो एक कोई वाइड काम होता है ना, वो कोर्ट यहाँ पे नहीं कर सकती। तो अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रोबेबली एक चांस है कि ये वाला जो स्टेटमेंट आपका है यहाँ पे सी वाला, वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, फिर लास्ट में जाते, हाई कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल टू बी अरेस्टेड एंड कमिटेड टू कस्टडी, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे पर्सन है उसको बेल रिलीज कर दिया, कस्टडी पे डाल दो, काम खत्म। तो अकॉर्डिंगली आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो गया। पॉइंट यहाँ पे क्या था, आपने देखा मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा, सॉल्व ऐसे करा मैंने चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ा, जब मुझे डाउट आया तब मैंने पैराग्राफ को रेफर करा, पैराग्राफ के अंदर मुझे इन्फ्लुएंस थोड़ा मिला, फिर मैंने उस हिसाब से जज करा कि सही क्या है गलत क्या है। आपको ऐसे पैराग्राफ को इस्तेमाल करना है, आपने ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं, वाइल डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन अंडर ग्रांट ऑफ बेल द कोर्ट हैज टू, अब देखिए ये आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोर्ट को क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल। अब यहाँ पे भी कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी, इसके लिए आपका एक ही करेक्ट आंसर होगा, बाकी तीन आपका करेक्ट आंसर इनकरेक्ट होंगे। ठीक, तो अकॉर्डिंगली देखते हैं, यहाँ पे आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा हो उसमें दिया हुआ है कि कोर्ट को कौन कौन सी हरकतें करनी, कौन कौन सी हरकतें नहीं करनी। नंबर वन, कंडक्ट अ मिनी ट्रायल टू सर्टेन वेदर द प्रिमिसेस इज अगेंस्ट अक्यूज और नॉट। कोर्ट ने साफ साफ बोला है भाई यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो कोर्ट है ना, इन द इंस्टेंट केस बाय ऑर्डरिंग द अफोरमेंशन टेस्ट
यहाँ पे इन्होंने बेल को बेसिकली मिनी ट्रायल बना डाला, इंडीड वो काम कोर्ट कर नहीं सकता, तो ये आंसर आपको सीधा पता चलता है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी पे आता। ओपाइन एज टू वेदर द प्रीमिसाई केस इज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब ये चीज कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ प्रीमिसाई केस है या फिर नहीं है, उसके लिए जा सकते हैं, बट आगे हम देखते हैं। एग्जामिन ऑल द विटनेसेस टू बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस, एग्जामिन ऑल द विटनेसेस, ये पढ़िए इस चीज को, ऊपर आइए देखिए आप कोर्ट ने क्या बोला। यहाँ पर प्राइम ऑफ एसआई केस है, इट हैज टू ओनली ओपाइन वेदर द देयर इज अ प्राइम ऑफ एसआई केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ये चीज साफ साफ लिखी, यही करेक्ट आंसर है, बट टू बी श्योर आप पढ़ो आगे। यहाँ पर बेसिकली जो कोर्ट है द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग विद विटनेस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस ऑन सच अदर ग्राउंड, केवल पॉसिबिलिटी की बात करिए, बट कोर्ट ने यहाँ पे जब आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हो यहाँ पे क्या लिख दिया, एग्जामिन ऑल द विटनेसेस, पॉसिबिलिटी तो आउट ऑफ द विंडो है, ऑल द विटनेसेस की बात कर दी, ठीक, ये स्टेटमेंट होने से डी पे आते हैं। कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ डिफेंस, ये तो भाई हो ही नहीं सकता, बहुत ही अब्सर्ड स्टेटमेंट है, तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया, सिंपल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल पावर रिगार्डिंग बेल में एक्सरसाइज बाय। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये सीधे आपका बेल एक्ट बेस्ड क्वेश्चन, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सीधे जाओ बेल एक्ट के अंदर, पता है आपको दिया है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास पावर होती है, आंसर भी हो गया, सोचना ही। अगला क्वेश्चन सेम चीज है, यहाँ पे पूछा गया कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे नेसेसरी होती है अरेस्टेड पर्सन के लिए, किस ऑफेंस के अंदर आएगा, ऑफेंस की लिस्ट दी है 439 में, उसको दिमाग में लाओ, सीधे पता है डी आंसर होगा, यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है जो होती है, काम खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो अकॉर्डिंगली ये हो गया आपका बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ये कि बी है यहाँ पे लिख रखा है, फिर हो गया आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको पैराग्राफ से इन्फर करने पे मिलेंगे, और फिर होते हैं केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बेयर एक्ट और केस लॉ होना चाहिए, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी पैराग्राफ की, प्लेन एंड सिंपल आप ये समझ लो। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे, अब ये जो पैराग्राफ है ना ये है आपका एक क्लासिक एग्जाम्पल कैसे क्लाइंट आपका टाइम खराब करता है, अब देखते हैं इसके अंदर देखिए आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी, सीधा सीधा है भाई बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन हुआ, बहुत बीएनसी आंसर है, काम खत्म। दूसरे उस पे आते हैं, हु कैन फाइल अ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, यहाँ पे या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा बिकॉज वो बंदा है जो कि आपका बेसिकली किसी के अगेंस्ट में यहाँ पे केस फाइल कर रहा है जो आपका स्टेट है उसके बिहाफ पर। दूसरा कंप्लेनेंट, ये जो कंप्लेनेंट पर्सन है ये वो पर्सन जिसके खिलाफ में ऑफेंस हुआ है, तो सीधी सीधी बात है ये जो दोनों पर्सन है ये तो सीधे सीधे फाइल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप बात करो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका बोथ ए एंड बी होगा, फिर क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट दोनों यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोर्ट कैन बेसिकली, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है कहाँ पे एप्लीकेशन बेल की फाइल होगी उसके ऊपर बात हो रही है। सिंपल सी बात है, जो एपिलेट कोर्ट है अगर उसको लगता है कि यहाँ पे अक्यूज कन्विक्टेड है और प्रेफर कर रहे हैं अगेंस्ट द कन्विक्शन, एपिलेट कोर्ट सीधा सीधा है भाई, एपिलेट कोर्ट के पास गया उसके पास वो यहाँ पे फाइल कर सकता है। बी पे आते हैं, डिविजनल कोर्ट व्हेन द अक्यूज्ड हैज फाइल अ रिविजन पिटीशन, सीधी सी बात है यहाँ पे जाएगा वो अप्लाई कर सकता है। लॉजिक यहाँ पे ये सिंपल सिंपल है कि यहाँ पर आपका जो मेन यहाँ पे आपको जो चीज देखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन हो रही है बेल के लिए जो फाइल हो रही है दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो अकॉर्डिंगली आपको चीज यहाँ पे ये देखनी कि जो क्वेश्चन है ना आपका यहाँ पर आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स उनका एनालाइज करा और अकॉर्डिंगली तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट, तो आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पैराग्राफ पढ़ने में। अगला आता है एक्सप्रेशन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ कस्टडी अंडर सेक्शन 439 मींस, सीधे सीधे यहाँ पे पूछा जा रहा है ये चीज मीन क्या करती है। तो अकॉर्डिंगली इसमें आपके तीन ऑप्शन है, अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड एंड रिमांडेड पुलिस कस्टडी में जाएगा, रिमांडेड अरेस्टेड जुडिशियल कस्टडी में, या फिर अक्यूज्ड है बेलेबल ऑफेंस पे करा गया सरेंडर करता सेशन कोर्ट के सामने फॉर द पर्पस ऑफ बेल। ये तीनों ऑप्शन आप देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई अरेस्टेड पर्सन को रिमांड में भेजा जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी और ऑफेंस जो आपका बेलबर है सेशन कोर्ट के पास चला गया बेल के लिए, तीनों ही केस में आपको सीधे सीधे लॉजिक से दिमाग लगाना है कि हाँ भाई ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज अबव, कोई दिमाग नहीं लगाना, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको पैराग्राफ का यूज नहीं करना, सीधा सीधा जैसे मैंने कहा क्लासिक एग्जांपल आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। फिर आगे आते हैं कंडीशंस एम्बॉडीड इन सेक्शन 439(1)(a), यहाँ पे आपका सीधा सीधा ये बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको सीधा सीधा दिखाई देता है, ठीक है, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको पता है कोई अमेंडमेंट कौन सा था आप सीधे सीधे बेयर एक्ट जब खोलोगे बेयर एक्ट के अंदर आप देखना
सीधे सीधे फुटनोट दिया रहता है। फुटनोट में अगर आपने पढ़ लिया है कि हाँ ये चीज इस अमेंडमेंट में आई थी, आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता है आंसर नहीं कर पाओगे, सिंपल एज दैट। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग 439। अब यहां पर जब आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो तो यहां पर आपको लगे कि हाँ भाई शायद अब मुझे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जाना है, बट पहले एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करो, स्टेटमेंट को एनालाइज करो। देखो द कोर्ट इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड, मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे मैंडेटरली रिक्वायर्ड का मतलब है कि यहां पर इस तरीके की जो लैंग्वेज होती है वो बेराग के अंदर जनरली यूज नहीं करी जाती। तो उससे आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये तो शायद आंसर यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट, या तो ट्रू होगा या तो करेक्ट होगा। तो ट्रू का मतलब होता है एक चीज सही है, तीन चीजें गलत है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको लगाना है, ये चीज एलिमिनेट हो गई। दूसरे पे आते हैं, द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इशू अ पब्लिक नोटिस, मतलब नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। और आगे आते हैं, द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर से लैंग्वेज इस तरीके की आपको जनरली बेरैक में नहीं मिलेगी, तो अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा, ये आंसर होने का चांस कम है। आगे, सेशंस कोर्ट हैज नो पावर टू कैंसिल द बेल। अब यार एक बार बताओ, यहां पर अगर सेशंस कोर्ट के पास पावर है ग्रांट करने की या नहीं ग्रांट करने की, स्टेटमेंट तभी सही हो सकता था जब यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई और बात इसके साथ अटैच करी गई होती कि हाई कोर्ट से बेल मिली है या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, तब पावर कैंसिल करने की बेल की। बट बात अब आप इस चीज की कर रहे हो कि पावर है कैंसिल करने की बेल या फिर नहीं, तो सीधे सीधे ये जो ऑप्शन है ना, ये सही नहीं हो सकता, बिकॉज 439 में पावर होती है जनरली आपके पास। तो अकॉर्डिंगली ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए आंसर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं अगले पैराग्राफ के बारे में। अगला जो आपका पैराग्राफ है ये थोड़ा सा आपका नॉर्मल पैराग्राफ है। ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहले आप क्वेश्चंस पे आओ, ये हो गया आपका केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, सीधा सीधा ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सीधे सीधे पता है, अगर आपने मंजू देवी का केस पढ़ा है आप आंसर कर सकते हो। बट इसके पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो भी देखिए, आप अगर अप्लाई करोगे आप 2013 और ये 2019 है और ये पेपर था 2021 का, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये ट्रिक लगा के आपको कहना कि आंसर पता चल सकता है, बट तभी लगाना जब 100% श्योर हो कि हाँ भाई ये केस के अंदर ये चीज़ हुई ये नहीं हो रही है। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट के ऊपर, द पावर ऑफ कन्वर्ट बाय द क्रिमिनल कोड अंडर 311 इज। अब यहाँ पे समझिए, ये जब मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या अंडरस्टैंड करना है व्हेन यू आर कमिंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन जहां पर आपका या तो स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसके के अंदर आपके जो ऑप्शंस है, बेसिकली ऑप्शंस के अंदर लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको वहां पर जाना है ऊपर पैराग्राफ में। बट यहां पर अगर आप देखोगे बहुत ही एक एक वर्ड के आपका ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस के अंदर आप देखो जाके पैराग्राफ में सर्च करो, क्या मैंडेटरी वर्ड का यूज हो रहा है, डिस्क्रिशनरी वर्ड का यूज हो रहा है, परमिसिव का यूज हो रहा है, नहीं। अकॉर्डिंगली आप सीधे सीधे लॉजिक लगाना शुरू करो, ये आंसर क्या हो सकता है। मैंडेटरी आप सोच के देखो, 311 के अंदर कोर्ट के पास इंसान अप्रोच करता है कि भाई देखो मेरे पास या तो मेरे जो आपका प्रोसिक्यूशन है फिर जो डिफेंस है मेरा, उसमें मेरे केस में ये चीज़ की कमी है, आप कृपया मुझे अलाउ करो एप्लीकेशन फाइल करने का और मैं स्टेटमेंट को जो समन कर पाऊँ, मैं विटनेसेस को या फिर मैं एविडेंस मंगा पाऊँ, ये चीज़ क्या यहाँ पे बेसिकली मैंडेटरी है कोर्ट के लिए वो चीज़ फॉलो करना, आप ये सोच के देखो। आई थिंक सो नॉट, नहीं हो सकता, मैंडेटरी नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं डिस्क्रिशनरी की, हाँ भाई डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास कि वो ये काम कर सकता है। लास्ट चीज हुई परमिसिव, हाँ भाई परमिसिव भी है, तो अकॉर्डिंगली आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे है बी और सी दोनों, बी बोथ, डी आपका सीधे सीधे करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे दिमाग में लगाना, पैराग्राफ को आप पढ़ लो बट आप केवल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाओगे, जरा आपको पता नहीं चलेगा। अगला आता है यहाँ पर, इफ इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट एप्लीकेशन 311 हैज बीन फाइल्ड ओनली टू फिल अप अ लकुना इन अ केस ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, कैन सच एन एप्लीकेशन बी अलाउड और नॉट। अब यहाँ पे फिर देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया, सिचुएशन के अंदर भी आप देखोगे जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपके यस और नो या फिर डिपेंड्स डिपेंड्स वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे पहले लॉजिक लगाओ और समझो कि क्या ये जो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोल रहा है। बोल ये रहा है एप्लीकेशन 311 में फाइल करी, क्या केवल केवल और केवल यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा गया है, ओनली टू फिल, मतलब क्या केवल लकुना फिल करने के लिए यहाँ पे क्या जो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के लिए वो क्या अप्लाई कर सकता है, कोर्ट बुला सकता है। अब आप अगर ऑप्शंस चेक करोगे यस ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे अगर वो करेगा तो सीधे सीधे बायस आएगा। फिर आता है नो वर्ड, नो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है बट आगे देख लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एविडेंस एड्यूस इन द केस। यार ये स्टेटमेंट और जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है ये तभी करेक्ट हो सकता है जब यहाँ पर अगर ये ओनली टू वर्ड यूज ना किया गया होता तो शायद थोड़ा चांस होता, अगर ये वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है तो आपको एक एक जो वर्ड है वो आपको पकड़ के चलना है, बेराट का हो चाहे क्वेश्चन का हो,
वर्ड्स को पकड़िए, स्टेटमेंट्स को पकड़िए कि क्या कहा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपका बी ही करेक्ट हो सकता है, इसके अलावा करेक्ट हो नहीं सकता, बिकॉज ओनली टू वर्ड को यूज करा गया और कोई इसमें दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस, सिंपल एज दैट, आपको मिल गया स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट आपको भी इस क्वेश्चन मिल गया, शुड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी बी अलाउड बाय दिस कोर्ट। बी अलाउड बाय दिस कोर्ट का मतलब ये है कि क्या सर्कमस्टांसिस के अंडर में ये चीज अलाउ करी जाएगी नहीं करी जाएगी, आपको यहाँ पे सिचुएशन दे रही कि आंसर करो। स्टेटमेंट देखिए आपके लंबे लंबे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप प्रोसेस लगाना शुरू करो। प्रोसेस क्या है, आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ाओ, लॉजिक लगाओ कि क्या स्टेटमेंट अप्लाई करेगा नहीं करेगा। वेन अलाउइंग द एप्लीकेशन enables the court to determine the truth and render a just decision. पहला doubtful है पर देख लेते हैं आगे क्या है। When allowing the application causes serious prejudice to the defense of the accused. अब भाई यार सीधी सी बात है कि अगर कोई ऐसी application allow करा जहां पर मुझे evidence या summon basically किसी witness को करना है, मैंने एक prejudice cause कर दिया defense को, तो कहीं ना कहीं भाई कोर्ट बायस हो गई ना, ये कैसे हो सकता है। फिर आगे आता है, व्हेन अलाउइंग द एप्लीकेशन गिव्स एन अनफेयर एडवांटेज टू द अपोजिट पार्टी। अब यार अपोजिट पार्टी को अनफेयर एडवांटेज मिलेगा तो भी कहीं ना कहीं ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ना तो बी सही हो सकता है ना यहाँ पे सी सही हो सकता है, और डी में दिया है बोथ ए एंड बी, तो वो भी सही नहीं हो सकता। और एक चीज और जो आप यहाँ पे देखोगे, तो आप अगर पैराग्राफ के ऊपर जाते हो तो पैराग्राफ के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है टू बेसिकली इफ द एविडेंस अपियर्स टू बी एसेंशियल टू गिव अ जस्ट डिसीजन इन द केस, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली टू एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन ट्रुथ एंड रेंडर अ जस्ट डिसीजन। ये जो वर्ड देखिए यहाँ पे यूज करा गया है, आफ्टर डिस्कवरिंग ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स, ये आपको सीरियसली बताता है कि हाँ भाई यहाँ पर सिंपली स्पीकिंग ये जो आपका ऑप्शन है वो सही है। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, बी और सी हो नहीं सकते, डी का कोई चांस नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पैराग्राफ का थोड़ा आपको हेल्प लगा, लेकिन ज्यादातर ये आपका लॉजिक से भी सॉल्व हो जाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी इम्पोजेज अ ड्यूटी अपॉन द कोर्ट टू, यहाँ पे ड्यूटी इम्पोज की बात हो रही है कि क्या कोर्ट कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क होकर चलना है, देखिए कैसे, डिटरमाइन द ट्रुथ आफ्टर डिस्कवरिंग ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स एंड ऑब्टेनिंग प्रूफ ऑफ सच फैक्ट्स, ये स्टेटमेंट कह नहीं सकते 100% सही है या फिर नहीं। रेंडर अ जस्ट डिसीजन आफ्टर डिस्कवरिंग ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स एंड ऑब्टेनिंग प्रूफ ऑफ, अगला डिस्कवर ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स एंड ऑब्टेन प्रूफ ऑफ सच फैक्ट्स, ये भी भाई वो है। अब यहाँ पे आखिरी में लिखा है साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द ट्रुथ एंड रेंडर अ जस्ट डिसीजन। अब अगर यहाँ पे आपको श्योर होना है कि आंसर क्या है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर, ऊपर पैराग्राफ के अंदर आप जब पढ़ोगे स्टेटमेंट्स को तब आपको समझ में आएगा कि लिखा है टू एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द ट्रुथ एंड डिसीजन एंड रेंडर अ जस्ट डिसीजन आफ्टर डिस्कवरिंग ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स एंड ऑब्टेनिंग प्रॉपर प्रूफ ऑफ सच फैक्ट्स टू अराइव एट अ जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। यहाँ पे दोनों चीजें करनी है, साइमल्टेनियसली करनी है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल डिटरमाइन करना या रेंडर जस्टिस करना या फिर रेलेवेंट फैक्ट डिस्कवर करना केवल वही नहीं हो सकता है, आपका जो ड्यूटी होती है वो डी ही हो सकती है बेस्ड अपॉन द पैराग्राफ इटसेल्फ। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर यहाँ पे डी हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द कोर्ट समन्स एनी पार्टी टू विटनेस टू अलाउ एन एप्लीकेशन मेड बाय द अक्यूज्ड 311 ऑफ सीआरपीसी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, यहाँ पर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिबटल मस्ट नॉट बी गिवन टू द प्रोसिक्यूशन, ये कैसे हो सकता है। आप बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन अभी लगा रहे हो दिमाग का, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको रिबटल का मौका ना दिया जाए। यहाँ पे बेसिकली जब आपकी एप्लीकेशन अलाउ करी गई है बाय द कोर्ट जो कि फाइल करी गई अक्यूज के द्वारा, अक्यूज ने भाई अपना विटनेस बुलाया, अब अक्यूज ने अगर विटनेस बुलाया है तो जो आपका प्रोसिक्यूशन है क्या वो उससे क्वेश्चन ना करे, ऐसा हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल। दूसरे उस पर आते हैं, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिबटल मस्ट बी गिवन यहाँ पे टू द प्रोसिक्यूशन, तो अकॉर्डिंगली ये चीज कहीं ना कहीं सही है, हाँ भाई ये काम हो सकता है। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट की बात है, तो मतलब यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे गलत है, एक चीज यहाँ पे सही है, आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करना ध्यान रख लीजिएगा। फिर अगला, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिबटल एज टू विटनेस हैज बीन समन्ड बाय द कोर्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं रिबटल का, बेसिकली जो समन करा गया है विटनेस का चांस ही नहीं है रिबटल का, क्वेश्चन का, ऐसा कैसे हो सकता है। कोर्ट अगर यहाँ पे ऐसा करती है कि वो चांस ही ना दे रिबटल करने का, तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट थ्री दोनों के दोनों कहते हैं कि कोर्ट यहाँ पे बेसिकली बायस कमिट कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। अगला, वेदर अपॉर्चुनिटी ऑफ रिबटल इज गिवन टू द प्रोसिक्यूशन इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ कोर्ट, अब यहाँ पे बेसिकली रिबटल देना है नहीं देना है ये मैटर ऑफ
बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट नहीं है और गिवन होना चाहिए प्रोसिक्यूशन को, ये जितनी चीज़ है अगर ये आगे जाके चैलेंज होती है कहीं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर को बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत प्रूव हो सकती है। तो जब आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ कर रहे हो, आपको पता है एक करेक्ट आंसर है, तो जो सबसे ऑब्वियस आंसर है वो है आपका बी, तो अकॉर्डिंगली ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो बेसिकली ये आपका तरीका है कि किस तरीके से आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पैराग्राफ को कब पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंगली क्या क्या आपको, मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, अगर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, अगर बेराग बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ की आपको जरूरत है नहीं, आप चाहो तो असिस्टेंस ले लो पैराग्राफ की, बट आपको ज़्यादा उसमें हेल्प नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंगली आपको पैराग्राफ को पढ़ने से या फिर आपको बेराग को पढ़ने से ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली आप आंसर केस का अगर आपने पढ़ा है, बेराग आपने पढ़ा है, आप आंसर कर लोगे। अकॉर्डिंगली अगर आपने अपने केस लॉ पढ़ा है, बेराग पढ़ा, आप आंसर कर लोगे। दूसरी चीज़, अगर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आप बेसिकली पैराग्राफ पर तभी जाइए जब तीन चीज़ें आपको मिलती है। पहली बात है आपको कीवर्ड मिलता है, दूसरा आपको पता चलता है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका लंबा है, थोड़ा आपका सेंटेंस बेस है, और फिर आपने जब सेंटेंस में एक बार लॉजिक लगाया, तो लॉजिक लगाने के बाद अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या चीज़ ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है, तीन सही होगा या फिर एक सही होगा, उसके बेसिस पे डिसाइड करिए पैराग्राफ पढ़ के आप कौन सा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये लॉजिक लगाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अकॉर्डिंगली जब मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बोला था कि आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले लगाने हैं जिसमें कि आप 100% श्योर हो कि आपको आंसर पता है। दूसरा टाइप था वो था क्वेश्चन मार्क वाला, जहाँ पे आप ये कहते हो कि ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये क्वेश्चन को लेकर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मैंने शायद सब्जेक्ट उतना अच्छे से पढ़ा नहीं, ये मेरे केस लॉ उतने अच्छे से आता नहीं। इन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इन क्वेश्चन के लिए केवल उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसका कि आपको आंसर बेसिकली या तो थोड़ा बहुत पता है या फिर आप पैराग्राफ पढ़ के इन्फर कर ले, आंसर निकाल ले लो। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि पैराग्राफ को पढ़ लो, पैराग्राफ को पढ़ने से शायद हो सकता है थोड़ा दिमाग खुले, बेराग रिवाइज हो जाए, आंसर मिल जाए, कुछ हो जाए, तब वहाँ पे करो इस चीज़ को। बट जब लास्ट कैटेगरी की आप बात करते हो जिसमें का कुछ नहीं आता आपको, वहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अगर लगता है कि हाँ भाई मुझे आंसर आता है तो ही प्रोसीड करना, वरना प्रोसीड मत करना, बिकॉज आपको वहाँ पे जो आपका बेराग है या फिर जो सब्जेक्ट है या फिर जो केस लॉ है, आपको उसके बेसिक जो फंडामेंटल्स उनका आइडिया नहीं है, तो गेस वर्क करने भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन हो जाए, आपको गलत आंसर आपको मिले, तो आप ये काम मत करना। अकॉर्डिंगली ये बेसिक प्रोसेस है। और आपका मैं बता दूँ जो पेपर है आपका वो होगा आपको 120 मिनट का, और एन एवरेज आप 90 मिनट्स में अपना पेपर ख़त्म कर लोगे। तो अकॉर्डिंगली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपके बच्चे हुए यहाँ पे 30 मिनट्स है, वहाँ पे आप जब OMR शीट पे लगा रहे हो मार्क, पेंसिल का यूज़ करना, पेन का यूज़ मत करना, यूज़ आ पेंसिल, पेंसिल के थ्रू जितने आंसर्स उनको मार्क कर लिए लास्ट से 30 मिनट्स में, आंसर को रिवाइज में करते हुए गया, रिवाइज करते हुए मैंने देख लिया कौन सा क्वेश्चन सही है नहीं है, गलत तो नहीं मार्क करा है, मार्क करा, पेन से मार्क करा, खत्म कहानी, और अपना वापस आ जाइए। बट पेंसिल का यूज़ करिएगा, पेन मत करिएगा, वरना OMR शीट गंदी हो गई, गलत आंसर एक बार मार्क हो गया, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंगली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, आप हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपने 22 मॉक पेपर्स के साथ आपको 130 लेक्चर्स प्रोवाइड करें, ईच केस के लिए 5000 क्वेश्चंस भी हैं, एनरोल आप कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।